भौतिकी, भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, विज्ञान और मापन। ठीक है, विज्ञान और मापन। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान उसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान कर लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान के दो शाखाएं होते हैं, पहलका क्या होता है जी, भौतिकी विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। इंग्लिश में इसे फिजिकल साइंस और इसे लाइफ साइंस। और फिजिकल साइंस को दो वर्गों में बांटती है, ठीक है। लेकिन फिजिकल साइंस जो है ये निर्जीव पदार्थ पर, इसे दो वर्गों में बांटा गया है, निर्जीव पदार्थ से संबंधित होता है। तो पहला जो है इसका निर्जीव पदार्थ से संबंधित फिजिकल साइंस में एक और इसका वर्ग बनता है जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और इसका एक और वर्ग है जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में केमिकली कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, और फिजिकल में ये जैसे मात्रक उत्तरक हो गया, ये मात्रक से संबंधित पढ़ेंगे, वेग दूरी चाल यही सब पढ़ेंगे, ठीक है। और समझिए जीव विज्ञान में क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में लाइफ साइंस बोलते हैं, इसे दो वर्गों में बांटे। इसमें क्या होता है, जीवों से संबंधित पदार्थों का अध्ययन करेंगे। पहला होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा क्या होता है, प्राणी विज्ञान। वनस्पति में पेड़ पौधा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, और प्राणी प्राणी विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, जीवों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे रसायन विज्ञान में, इस रसायन विज्ञान में कोई घटना घटा, जैसे कोई पानी बना, जैसे H2O, सपोज कर H2O का मात्रा एक ड्राम है, ठीक है। तो इस एक ड्राम को हमें मापना होगा, तो किस विज्ञान के चैप्टर के हिसाब से मापेंगे, किस बुकों के हिसाब से मापेंगे, तो भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक, ठीक है। जैसे कितना लीटर हो गया, तो 1000 लीटर, तो लीटर आया ना जी, इसका मात्रक हुआ ना। और जैसे अब समझिए वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें पेड़ पौधा संबंधित, क्या पेड़ पौधा संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। पेड़ पौधा में क्या होता है, पेड़ पौधा के जड़ों में कैसे रिसाव होता है, कौन कौन सा खनिज लवण कौन कौन सा पदार्थ को अपने अवशोषण करता है, कौन से क्रिया से अवशोषण करता है, कैसे भोजन बनाता है, अब भोजन बना लेता है तो उसमें क्या होता है, तो उसका पोषक तत्व मिलता है, और जो पोषक तत्व मिल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज बनाता है, उसका मेन पोषक तत्व क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो C6 क्या होता है, C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का यही ना सूत्र है, अनुसूत्र। तो ये अगर जब पूछा जाए कि क्या है, तो ये भी चलेगा रसायन विज्ञान के हिसाब से, जाना जाएगा कि रसायन विज्ञान से संबंधित घटना घटा। तो सबका अलग किया गया है इसलिए ताकि एक एक करके हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और पता चलेगा कि ये पौधा में ये घटना घटित हो रही है का जी। जैसे पौधा क्या लेता है, क्या देता है, कहाँ से लेता है, कहाँ से देता है, ऑक्सीजन कैसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ता है और ऑक्सीजन को कैसे छोड़ता है, भोजन कहाँ पे बनता है, इन चीजों को हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा पौधा लंबा होता है, कौन सा पौधा सबसे छोटा होता है दुनिया के, जैसे कि दुनिया के सबसे बड़ा लंबा पौधा बांस हो जाता है, और छोटा पौधा में अब जानेंगे। और समझिए जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव से संबंधित पढ़ेंगे, और जीव से संबंधित इसमें कौन सा जीव बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कौन से जीव में कितना हड्डी होता है, वो क्या अंडा देने वाला है, स्तनधारी है या स्तनधारी नहीं है, इन चीजों का हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे क्या चीज में, जीव विज्ञान, ठीक है। तो सबका एक अलग अलग वर्ग इसलिए किया गया है ताकि सबके बारे में हम सही ढंगों से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ में आ गया।